तो स्वागत है आप लोग का मेरा और एक न्यू ब्लॉग पर। अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वो जगह का नाम है बनौता रिसोर्ट है। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 11 किलोमीटर होगा। और चलते रास्ते में आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम लोग रास्ते में है तो थोड़ा सीन देखो, जंगल बहुत अच्छा नजारा है। जंगल पड़ा नहीं, ये थोड़ा जंगल का हम लोग साइड में ही है, अभी जंगल में घुसेंगे। सीन बहुत अच्छा है भाई, नज़ारा देखो। और बोंडा में यार क्या क्या है? और वहाँ पर वहाँ बहुत कुछ है। चलो आगे, मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ। देखते हैं बोंडा रिसोर्ट पे। आई होप ये रिसोर्ट आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में। हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं। हमारा तो मकसद है जंगल में मंगल करने आप लोगों को दिखाएंगे। ये क्या फ्लावर है भाई? और ये तो कुछ होगा। अंदर पे चलते हैं। अभी हम लोग अंदर पे एंट्री मार रहे हैं। नजारा देखो यार, सामने बाज है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर कोई चीज आपको मिल जाएगा आसानी से, खाने से लेके और आगे तरफ कड़कनाथ मुर्गी भी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, चारों तरफ फूली फ्लावर चारों तरफ है। नज़ारा यार बहुत अच्छा है यहाँ का। और हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं, ये रिसोर्ट है, आप लोग को तो पहला पता ही लग गया होगा। अभी आप लोग को दिखाते हैं कड़कनाथ मुर्गी। इसका सब कुछ काला ही है, ब्लैक है ना पूरा। मुर्गी या मुर्गा है वो तो यार पता ही नहीं है, अब तो उठा के देखना पड़ेगा। पूरा ब्लैक है। सामने हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है और ये देख सकते हो घोड़ा सवारी करना है। इधर घोड़ा है भैया। हाँ, घोड़ा सवारी करना है। घोड़ा सवारी तो यार करने से हो नहीं यार, नहीं करना है। आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा अच्छा है यार। फ्लावर देखो, फ्लावर बहुत अच्छा नजारा है। अगर देखो घोड़ सवारी हो रहा है। ये घोड़ सवारी कितने का लेता है यार? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग जहाँ पर घूम रहे हैं यहाँ पर मिट्टी का घर बहुत सारा है, आप लोग को दिखाते हैं। ये हम लोग का पीछे में है, ये रिसोर्ट है। यहाँ पर मतलब जितने आदमी घूमने के लिए रहने के लिए गेस्ट हाउस ही आप लोग समझ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। और हम दोनों भाई अभी घूम रहे हैं। ज़िंदगी का मज़ा तो यूट्यूब वाले लोग ले रहे हैं भाई। कैसे यार? चलो, और यहाँ का जो माहौल है यार बहुत बढ़िया है। अभी आप लोग आओगे घूमने के लिए तो आप लोग को समझ ही जाओगे आप लोग यहाँ का माहौल कैसा है। खाना कहाँ जा रहा है भाई? हाँ, खाना कहाँ जा रहा है?
तो खाने को यार पूछ लो ना, मेरे को थोड़ी ना पूछ रहे हो। यार चलते चलते तो यार बहुत जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलो यहाँ कल क्या होगा मेरे को थोड़ी ना पता है। तुम क्या भविष्य बताते हो लोगों के? नहीं यार भविष्य तो मैं थोड़ी ना बता पाऊंगा। चलो भाई देखो वहाँ मछली पकड़ो। जितने भी भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, इतना मतलब क्या बताऊँ, वीडियो बनाने में मैं बहुत दिनों से यार मतलब सोच रहा था यार वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। कैमरा पास यार आके यार सब कुछ भूल जा रहा हूँ। अभी जो आप लोग को बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद ही पता नहीं। आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ, एडजस्ट कर लेना आप लोग। वो फिल्टर है ना, फिल्टर लगा देना। चलो यार कहाँ जाओगे? मछली पकड़ रहे हैं सब। चलो सामने में तालाब है यार, उधर मछली वगैरह सब दिखाएंगे आप लोग को। चलो दिखाते हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं मैं करूँगा। ये गुलाब का बगान है, दिखाते हैं आप लोग का चारा। यार चारा बोलो यार बगान तुम हो बेचारा, ये है गुलाब का चारा। ये देखो भाई बहुत अच्छा जगह है यार। इमो पाखी भी उधर है यार। आप लोग क्या बोल दो मेरे को तो नहीं पता है। इमो बर्ड डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया तो यार होगा ही। ये क्या है भाई देखो, कौन सा ये देखो, ये वाला, ये कुछ सब्जी होगा क्या यार मेरे को भी नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग अभी यहाँ से निकल जा रहे हैं। ये बोनोटा रिसोर्ट का पीछे जो लोगो हुआ है, हजारों में अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की कमी जरा है, और हर चीज खास है।